लुका के सुसमाचार 11 अध्याय उसके 1-4 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। प्रेमित, संपूर्ण सुसमाचार वृतांत में यह भाग प्रार्थना करना सिखाता है। यह अन्य भागों से भिन्न है। कुछ लोगों का मानना है कि यह अलग से जोड़ा गया है। यह सच है कि यह गद्यांश घटनाओं के क्रम में असंगत है, परंतु यह व्यवहारिकता दर्शाता है। शिष्य प्रार्थना सीखना चाहते थे क्योंकि उन्होंने यीशु को प्रार्थना करते सुना था और देखा भी था। यीशु का अभ्यास था कि वह अकेले जाकर प्रार्थना करे। किसी शिष्य ने यीशु को प्रार्थना में देखा और उसके भक्त में भी वैसे ही प्रार्थना करने की इच्छा जागी। आज मसीह परमेश्वर की दाहिने ओर है और हमारे लिए प्रार्थना करता है। वह हमारा मध्यस्थ है। उससे प्रार्थना करना सीखने के लिए निवेदन करना आज भी भला विचार है। प्रभु, मुझे प्रार्थना करना सिखा। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु ने अपने पर्वतीय उपदेश में प्रार्थना की रूपरेखा समझा दी थी। अतः इस शिष्य की याचना में प्रार्थना करने की कला या विधि जानने की जिज्ञासा नहीं थी। वह यीशु के समान प्रार्थना में रहना चाहता था। अनेक लोगों की प्रार्थना दिन के अंत में होती है। मैं जिस परिवार में पला बड़ा वहां मैंने न तो प्रार्थना सुनी और न ही बाइबल देखी। पहली बार मैं प्रार्थना में तब बैठा जब मैं बाल्यकाल में एक सम्मेलन में गया। वहां रात के समय हमारे प्रभारी ने आकर हम लड़कों से कहा कि सब एक स्थान में प्रार्थना के लिए एकत्र हो जाओ। मैंने सोचा कि प्रार्थना करने के लिए कपड़ा पहनना या तैयार होने की क्या आवश्यकता है, अन्यथा आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। यह तो एक निरर्थक धारणा थी, परंतु सत्य यह है कि कोई हमें प्रार्थना करना सिखाए। यह अति आवश्यक है, अर्थात परमेश्वर के पास कैसे पहुंचा जाए। उसने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। इससे सिद्ध होता है कि यूहन्ना एक प्रार्थनाशील व्यक्ति था। क्या हमारे बारे में ऐसा कहा जाता है? परमेश्वर के सब महान सेवक प्रार्थनाशील व्यक्ति थे। मसीह जनों का निष्फल जीवन और कलीसिया का निर्जीव जीवन प्रार्थना से रहित रहने का एक प्रमाण है। यही हमारी समस्या है। यीशु ने उन्हें यह प्रार्थना सिखाई। मेरे विचार में यीशु ने संभवतः कभी नहीं सोचा होगा कि यह प्रार्थना आराधना का भाग बन जाएगी। यह प्रार्थना व्यक्तिगत और स्वाभाविक होना चाहिए, जैसे कि एक पुत्र अपने पिता से बातें कर रहा हो। पिता परमेश्वर मेरे मन को जानता है और मुझे सिखाता है और दिखाता है कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है और क्या नहीं। मुझे सुंदर शब्दों की प्रार्थना से बड़ी अरुचि है और मेरे विचार में परमेश्वर को भी। आइए अब हम प्रार्थना के विश्लेषण को देखें। पहला भाग उपासना का है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। दूसरा भाग, पृथ्वी पर परमेश्वर ही की इच्छा पूरी हो, तेरा राज आए। इसका अभिप्राय है बुराई का अंत हो और भलाई उत्पन्न हो। इसका अर्थ यह भी हुआ कि आपको अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की मनोकामना हो। इस प्रार्थना के शब्दों का अर्थहीन उच्चारण करना व्यर्थ है। यह प्रार्थना विश्वासियों के लिए है, उद्धार से रहित मनुष्यों के लिए नहीं। उद्धार से रहित मनुष्य की भी प्रार्थना है। हे परमेश्वर, मुझे अर्थात मुझ पापी पर दया कर, जिसे हम लूका 18:13 पद में पाते हैं। परंतु परमेश्वर दयावंत है और आपके लिए दया दिखाता है। आपको उससे उद्धार की भीख नहीं मांगनी है। यदि आप उसके पास आ गए हैं तो वह आपका उद्धार करेगा। इस प्रार्थना का एक भाग शारीरिक आवश्यकता की विनती भी है। हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। तब प्रभु ने कहा कि हम प्रार्थना में यह भी कहें, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मैं इसमें कितना खरा उतरूंगा। क्या आप भी सबको क्षमा करते हैं? मेरे मित्रों, परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने सब अपराधियों को क्षमा करें। हम इफिसियों के पत्र 4 उसके 32 पद में पढ़ते हैं, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमारी सहायता करता है और कर भी सकता है जब हम प्रार्थनाशील व्यक्ति हों।
हमें अधिक प्रचारक, कलीसियाएं और सेवकों की आवश्यकता नहीं है, हमें उन मनुष्यों की आवश्यकता है जो प्रार्थना करना जानते हैं। प्रभु इस अध्ययन में प्रार्थना की चर्चा अभी समाप्त नहीं करता है, केवल लूका ने इस दृष्टांत का उल्लेख किया है जो प्रार्थना पर भिन्न परिवेश में प्रकाश डालता है। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लूका 11 अध्याय के 5-7 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं इस दृष्टांत को आज के प्रसंग में समझता हूँ। मान लो कि एक परिवार दिल्ली में रहता है। पत्नी की माता के पास से समाचार आता है कि वह आ रही है और वह अपने आने का दिन और तारीख भेज देती है। यह परिवार उनको स्वागत की पूरी तैयारी करता है और उनकी पसंद का विशेष भोजन भी बनाकर तैयार रखता है। प्रतीक्षा करते करते वह निश्चित दिन बीत जाता है, तब उनका फोन आता है कि मार्ग में बस खराब हो गई है। परिवार के सदस्य सोचते हैं कि नानी जी के साथ रात का भोजन करेंगे। उनके घर पहुंचते पहुंचते देर रात हो जाती है और वह घर पहुंचती है और बैठकर बातें करती है, और इसी बीच दामाद उनसे पूछता है, क्या आपने रास्ते में कुछ खाया? वह कहती है, नहीं बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। अब घर में इतनी रात पकाने को दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं है, तो वे सोचते हैं कि पड़ोसी अच्छे हैं, उनसे कुछ ले आते हैं। उनका पड़ोसी सो गया है, वह बिस्तर में से ही कह देता है, कल बात करेंगे, गुड नाइट। तब हम आगे पढ़ते हैं लूका 11:8 में, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। परंतु वह उसका द्वार खटखटाता रहता है और अंत में वह पड़ोसी उठकर द्वार खोलता है, भाई मेरी सास अचानक रात में आ गई है, दुकानें तो बंद हो चली है और घर में आटा भी समाप्त हो गया है, कृपया करके मुझे कुछ आटा दे दो। पड़ोसी खिन तो होता है परंतु आटा दे देता है। यह विषम तुलना का दृष्टांत है। मेरे मित्र, हम लूका 11:9-10 पद में आगे पढ़ते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे मित्रों, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि परमेश्वर द्वार बंद करके सोता है, आप प्रार्थना कर रहे हैं और वह सो रहा है, या आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देना चाहता है? वह तो प्रतीक्षा करता है और निश्चय ही उत्तर भी देता है। इस दृष्टांत का अभिप्राय यही समझना है। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको स्वर्ग का द्वार पीटने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी आवाज सुनने और उत्तर देने में संकोच नहीं करता है। यशायाह नबी की पुस्तक 65:24 पद में हम पढ़ते हैं, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। मेरे मित्र, परमेश्वर तो सुनने के लिए कान लगाए रहता है और उत्तर देने के लिए तत्पर रहता है। कभी कभी परमेश्वर कहता है नहीं, परंतु हम लोग नहीं शब्द सुनने के आदि नहीं हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं, अर्थात हाँ या नहीं कह रहे हैं। अपने वर्षों के अनुभव से मैंने पाया है कि सबसे अच्छा उत्तर परमेश्वर ने यदि दिया है तो वह है नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है वह जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब मैं एक जवान व्यक्ति ही था तो मैंने एक संस्था में सेवा हेतु निवेदन किया और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि वह मेरे लिए वहां पर द्वार खोल दे। वहां के व्यवस्थापकों एवं प्रबंधकों ने बंद द्वार के पीछे सभा की और निर्णय लिया कि मुझे वहां सेवा में नहीं रखा जाए, क्योंकि मैं राजनीति का ज्ञान नहीं रखता था और वह कलीसिया, वह संस्था रणकुशल कलीसिया थी। मैं परमेश्वर से रुष्ट हो गया और कहा कि उसने मुझे लज्जित किया है। आज जब मैं उस पर विचार करता हूं तो मुझे परमेश्वर के सामने लज्जा आती है और मैं उसे क्षमा मांगता हूं। परमेश्वर जानता था कि मेरे लिए सर्वोत्तम क्या है, उसके पास मेरे लिए उससे भी अच्छा स्थान था। आज मैं अनेक बार परमेश्वर के उस नहीं के लिए उससे धन्यवाद देता हूँ।
खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके कहने का अर्थ यह नहीं है कि हमें उसे नींद से जगाना होगा। उसका कहने का अर्थ है कि हर बात को प्रार्थना में परमेश्वर के समक्ष रखें और वह सबसे अच्छी बात जो हमारे लिए है उसे निश्चय ही हमें देगा। हम आगे देखते हैं एक अच्छा पिता। लूका 11 अध्याय के 11 पद में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे। मेरे प्रिय मित्र, प्रार्थना करने से पूर्व आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि वह आपका पिता है। यूहन्ना अपने सुसमाचार के वृतांत में अर्थात वर्णन में अध्याय 1 और पद 12 में कहता है कि जिन्होंने ने उसे अर्थात प्रभु यीशु को ग्रहण किया और जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, उन सबको उसने परमेश्वर के पुत्र होने का सामर्थ प्रदान किया। अर्थात यह विश्वास करना कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरा और हमें निर्दोष ठहराने के लिए फिर जी उठा, आपको उसके पुत्र या पुत्री होने का अधिकार प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने के द्वारा आप उसके आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं और उसकी देह के अंग बन जाते हैं, अर्थात उसके पुत्र व पुत्री बन जाते हैं। तब आप उससे कहने योग्य हो जाते हैं, हे मेरे पिता। यदि आप अपने सांसारिक पिता से कहें मुझे रोटी दे, तो क्या वह आपको पत्थर देगा? यदि आप उससे कहें मुझे मछली खाना है, तो क्या वह आपको सांप लाकर खिलाएगा? क्या कोई पिता ऐसा करेगा? यदि संसारिक पिता ऐसा नहीं करता है, तो निश्चय ही स्वर्गीय पिता इससे भी बढ़कर है, कभी वह ऐसा नहीं करेगा। हम लूका 11 अध्याय के 12 और 13 पद में पढ़ते हैं, या अंडा मांगे तो उसे भिक्षु दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? मेरे प्रिय मित्र, यीशु ने अपने शिष्यों से पवित्र आत्मा मांगने को कहा था। जहां तक मेरा विचार है, उन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मांगा था। बाद में हम यूहन्ना 20 अध्याय के 22 पद में देखते हैं कि उसने उन्हें पवित्र आत्मा दिया। उन्हें पेंतिकोस्त के दिन तक पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी। पेंतिकोस्त के दिन तो पवित्र आत्मा स्वयं आया और उन्हें बपतिस्मा देकर विश्वासियों की देह में मिलाया और वे मसीह में हो गए। हम सबों को पवित्र आत्मा से इसी रूप में भर जाना आवश्यक है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि हम सबने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। मित्रों, आपको मालूम है कि यीशु पर शैतान के सामर्थ का दोष लगाया गया। यह घटना मत्तयी सुसमाचार के 12 अध्याय उसके 24 से 30 पद और मार्कुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 22 से 30 पद में व्यक्त की गई है। इसी घटना से अक्षम्य पाप का भी विचार उत्पन्न हुआ है, अर्थात न क्षमा होने वाला पाप। अब हम लूका 11 उसके 14 और 15 पद में पढ़ते हैं, फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने अचंभा किया, परंतु उनमें से कितनों ने कहा या तो शैतान नाम दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। फरीसियों ने जब यीशु द्वारा आश्चर्यकर्म होते देखा तो उन्हें विश्वास करना ही था, परंतु अब वे यीशु पर क्या दोष लगाएं? उनकी नीच प्रवृत्ति उभरी और उन्होंने यीशु पर शैतानी शक्तियों के उपयोग का दोष लगाया। हम लूका 11 उसके 16 से 19 पद में आगे पढ़ते हैं, औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनकी मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज में फूट होती है वह राज उजड़ जाता है और जिस घर में फूट होती है वह नाश हो जाता है, और यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। यीशु ने उनकी मूर्खता उन्हीं की बातों से सिद्ध कर दी। तब हम लुका 11 के 20 में पढ़ते हैं, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज्य, यीशु स्वयं उनके मध्य था, राजा उनके मध्य था, तो राज्य वहां स्वतः ही उपस्थित था। लूका 11 उसके 21 और 22 पद में आगे पढ़ते हैं, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है।
यहाँ पर बलवंत मनुष्य से अर्थ है शैतान। दुष्ट ग्रस्त मनुष्य उसके सामर्थ्य का प्रमाण थे, परंतु प्रभु यीशु उससे अधिक शक्तिशाली था, अतः वह दुष्ट आत्मा को निकाल सकता था। इस पद में हमारे लिए संदेश है कि शत्रु शैतान से रक्षा करने के लिए हमें बलवंत एवं हथियारबंद होना है। यीशु अशुद्ध आत्मा को मनुष्य के शरीर से निकालते हैं, तब क्या होता है? लूका 11 उसके 24 से 26 पद में पढ़ते हैं। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस दृष्टांत से इसराइल और फरीसियों की संकटमय स्थिति का ज्ञान होता है। दुष्ट आत्मा मनुष्य के शरीर से निकल जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वह स्वच्छ एवं शुद्ध है। अतः मेरे मित्रों, नव जागृति अच्छी नहीं है। यदि संसार में सब मनुष्य पाप से मन फिरा लें तो मसीह जन रहेंगे ही नहीं। पाप से मुंह मोड़ लेना मसीही विश्वास नहीं है। नई जागृति नहीं परंतु नव जीवन की आवश्यकता है। इसराइल ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और मसीह यीशु की सेवाओं के परिणाम स्वरूप शोधन तो प्राप्त कर लिया था, परंतु वे खाली थे। उन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में अंतर्वास करने नहीं दिया था। इस कारण से उनकी दशा पहले से भी अधिक बुरी हो जाएगी, जैसा दृष्टांत में कहा गया है। अब हम आगे देखते हैं योना का चिन्ह। लूका 11 उसके 29 से 32 पद में लिखा हुआ है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा कि इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा यूनुस निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। मेरे मित्र, इसका अभिप्राय यीशु के पुनरुत्थान से है। योना 3 दिन और 3 रात अंधकार और मृत्यु में था, उसके बाद परमेश्वर उसे ज्योति और नए जीवन में लाया। उसकी चेतावनी पाकर निनवे वासियों ने मन फिराया और विनाश से मुक्ति पाई। इसराइल की स्थिति निनवे से अधिक गंभीर है, क्योंकि उन्होंने न तो मन फिराया और न ही अपने मसीह को ग्रहण किया। हम आगे देखते हैं, दिया जलाकर कहाँ रखना चाहिए, अर्थात हम कहाँ रखते हैं। हम लूका 11 अध्याय उसके 33 से 36 पद में पढ़ते हैं, कोई मनुष्य दिया बार कर तलघरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो तो उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। दिया ज्योति प्रदान करता है, और दिया जलाने का उद्देश्य ज्योति फैलाना या अंधकार को दूर करना है। इसी प्रकार मसीह का पुनरुत्थान इस जगत में ज्योति की स्थापना है। हम इस संसार में जन्म और मृत्यु से बंधे हैं। यीशु का पुनरुत्थान आशा की किरण है। ज्योति का उद्देश्य क्या है? देखने में सहायता करना। किसी वस्तु को देख पाने में 2 बातें आवश्यक हैं, ज्योति की कोई वस्तु दिखाई दे और आंखें की उस दिखने वाली वस्तु को देखे। अंधे मनुष्य के लिए ज्योति अर्थहीन होती है। अंधा ज्योति में और आंख से देखने वाला अंधकार में हो तो एक ही बात है। अतः देखने के लिए ज्योति तथा आंख दोनों आवश्यक हैं। मसीह इस जगत में व्यक्तिगत रूप में था, परंतु मनुष्य उसे देखने में सक्षम नहीं था। इसका अर्थ यह नहीं है कि यीशु अंधकार में था या वह जगत की ज्योति नहीं था। इसका अर्थ स्पष्ट है कि मनुष्य अंधा था। आगे हम देखते हैं, यीशु द्वारा फरीसियों के ढोंग की निंदा करना। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 37 और 38 पद में पढ़ते हैं, जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर, और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी ने यह देखकर अचंभा किया कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया।
यहाँ पर यीशु ने प्रथागत अर्थात रीति रिवाज के अनुसार उस शोधन के कार्य को अनदेखा किया। तब हम देखते हैं लूका 11 उसके 39 और 40 पद में, प्रभु ने उससे कहा, हे फरिसियो, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते तो हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? यहाँ पर हम देखते हैं कि धर्म बाहरी दिखावा नहीं है, धर्म मन की आस्था है। यह एक महान सिद्धांत है। प्रभु यीशु 3 बार हाय कहता है, जो इस सिद्धांत की समर्थक प्रतिक्रिया है। हम लूका 11 अध्याय उसके 41 और 42 पद में पढ़ते हैं, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरिश्यो, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते तो हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। उनके जीवन का मूल्य उचित नहीं था। यीशु ने यह नहीं कहा कि दशमांश देना अनुचित है, परंतु उसने इस बात पर बल दिया कि जो नहीं किया गया वह भी करें। मेरे प्रिय मित्रों, देने से आप मसीह विश्वासी नहीं हो जाते हैं। यहाँ मुख्य बात है कि प्रभु से प्रेम करना, जो देने की प्रेरणा देता है। हम लूका 11 उसके 43 और 44 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हे फरिसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। दूसरे शब्दों में, वे अच्छा आदर्श नहीं थे। लूका 11 के 45 में लिखा है, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया कि हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। फरीसी लोग बाहरी दिखावा करते थे। शास्त्रियों का अपराध था कि उनकी अनिष्ठा, वे व्यवस्था को दुर्निवार बना रहे थे। वे स्वयं व्यवस्था के पालन में चूक गए थे और दूसरों को पालन करना सिखाते थे। हम लूका 11 उसके 46 से 52 पद में आगे पढ़ते हैं, उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे बाप दादों ने मार डाला था, सो तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों में सम्मत हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लोहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है सबका लेखा एक युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूं, उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, कि तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। मेरे प्रिय मित्र, मनुष्य धर्म के अगुओं से सच्चाई के आदर्श की अपेक्षा करता है, परंतु उनसे सांसारिकता झलकती है, न कि आत्मिकता। वे स्वयं धर्मशास्त्र से असंगत जीवन जीते हैं। आज मसीह विश्वास में सबसे बड़ी बाधा यही है। शब्दों का विश्वासी हमें धर्मशास्त्र के प्रकाश में अपना जीवन परख कर देखना है, ताकि हम जांच सकें कि हम कहाँ हैं। लूका 11 उसके 53 और 54 पद में हम पढ़ते हैं, जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और उसकी घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन शिक्षा की बातों को उन्हें बताया, लेकिन वे इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु इसके विपरीत वे उससे गलतियां ढूंढने और उसे पकड़ने की कोशिश में थे। आज मेरा और आपका जीवन कैसा है? क्या आज हम भी गलतियां ढूंढने में लगे हुए हैं, या हम उन अच्छी बातों को ग्रहण करने की तलाश में हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम उन अच्छी बातों को सीखें और उद्धार के आनंद को प्राप्त करें।